नमस्कार, आप सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा YouTube चैनल पर। अपने पुत्रों को ही नदी में बहाया था गंगा ने, पर क्यों जानिए गंगा से जुड़ी ऐसी ही रोचक बातें। हिंदू धर्म में गंगा को सबसे पूजनीय नदी माना गया है। गंगा के संबंध में अनेक पुराणों में कई कथाएं पढ़ने को मिलती है। महाभारत के सबसे प्रमुख पात्र भीष्म भी गंगा के ही पुत्र थे। आज हम आपको गंगा से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बता रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रह्मा ने दिया था महावीर को श्राप प्राचीन समय में। इक्ष्वाकु वंश में राजा महावीर थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्गलोक प्राप्त किया था। एक दिन बहुत से देवता और राजर्षि, जिनमें महावीर भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में आए। वहाँ गंगा भी उपस्थित थी। तभी हवा के वेग से गंगा की वस्त्र शरीर पर से खिसक गए। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीचे कर ली, मगर राजा महावीर गंगा को देखते रहे। जब परमपिता ब्रह्मा ने ये देखा तो उन्होंने महावीर को मृत्यु लोक पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया और कहा कि गंगा के कारण ही तुम्हारा अप्रिय होगा और जब तुम उस पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। राजा शांतनु की पत्नी बनी गंगा ब्रह्मा के श्राप के कारण राजा महावीर ने पूर्व वंश में राजा प्रदीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आए। यहाँ उन्होंने एक परम सुदर्शन स्त्री, वह स्त्री देवी गंगा ही थी, को देखा। उसे देखते ही शांतनु उस पर मोहित हो गए। शांतनु ने उससे प्रण निवेदन किया। उस स्त्री ने कहा कि मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, लेकिन मैं तब तक ही आपके साथ रहूंगी जब तक आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं, न ही मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे। ऐसा होने पर मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने उस सुंदर स्त्री का बात मान ली और उसे विवाह कर लिया। इस तरह गंगा ने किया राजा शांतनु का अप्रिय। विवाह के बाद राजा शांतनु सुंदर स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु ये देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इससे इसका कारण पूछा तो ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। 8वां पुत्र होने पर जब वह स्त्री उसे भी गंगा में डालने लगी तो शांतनु ने उसे रोका और पूछा कि वह ये क्यों कर रही है। उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्त न मानते हुए मुझे रोका, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। वसुओं ने क्यों लिया गंगा के गर्भ से जन्म को, महाभारत के आदि पर्व के अनुसार। एक बार पृथ्वीदेव वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम कर रहे थे। वहाँ वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। वहाँ नंदिनी नाम की गाय भी थी। दियो नामक वसु ने अन्य वसुओं के साथ मिलकर अपनी पत्नी के लिए उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं द्वारा क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस द्यो नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। इस श्राप की बात जब वसु ने गंगा को बताई तो गंगा ने कहा कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। गंगा ने ऐसा ही किया। वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण भीष्म को पृथ्वी पर रहकर दुख भोगने पड़े। भीष्म को दिलाई श्रेष्ठ शिक्षा गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई, तो वे बहुत उदास रहने लगे। इस तरह थोड़ा और समय बीता। शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है और वह भी प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर व दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है। ये दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहाँ शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला सीखी है। ये श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इंद्र के समान इसका तीर है।
देवव्रत ही आगे जाकर भी समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।